press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रेन मसाला बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या डलेगा। ब्रेन मसाला बनाने के लिए हमने ये 9 ब्रेन लिए हैं। ये इस तरीके से देखें, ये एक पैकेट हमने 3 पैकेट लिए हैं। ये एक पैकेट में इस तरीके से 3 ब्रेन होते हैं, तो हमने 3 पैकेट लिए हैं तो ये 9 ब्रेन है। और ये 1.5 कप चॉप्ड प्याज इसमें जाएगा, 1/2 कप दही का जाएगा, 1 कप इसमें टमाटर का जाएगा, इसे मैंने इस तरीके से बारीक छोटा छोटा सा काट लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें अदरक का जाएगा और 1.5 टेबलस्पून इसमें लहसुन का जाएगा। और ये कुछ हरा धनिया है जिसे मैंने काट के रख लिया है। ये कुछ अदरक है जिसे मैंने इस तरीके से लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया है। और ये 5-6 हरी मिर्ची हैं जिसे मैंने छोटा छोटा काट के रख लिया है। और ये अब कुछ मसाले हैं जो 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून सूखी हुई कसूरी मेथी, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक। ये 1/4 कप हमने ऑयल का लिया है, इसे हमने गरम कर लिया है। अब हम इसमें ये चॉप प्याज डालेंगे। प्याज को हम कुछ देर फ्राई करेंगे, लाइट ब्राउन कलर आने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। देखिए हमारा प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गया, उसका कलर लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन डालूंगी। अदरक और लहसुन डालने के बाद मैं इसे तकरीबन 2 मिनट तक कुक करूंगी ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक और लहसुन फ्राई हो चुका है, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और ये सूखा धनिया, ये गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च और ये सूखी मेथी हमने बचा ली है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। मिक्स करेंगे। थोड़ा सा बस इसको पकाएंगे ताकि मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए। ये देखें मसाले इसमें कुक हो गए। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1/2 गिलास पानी का शामिल करके इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने के लिए रखेंगे ताकि हमारे टमाटर, प्याज और सारा मसाला जो है वो अच्छे से कुक हो जाए और इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब हम इसको ढक के तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, टमाटर भी बिल्कुल अंदर सॉफ्ट हो चुके हैं और प्याज और मसाले सब कुछ इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसमें ये जो हमने दही लिया था, ये दही इसमें ऐड करेंगे। अब उसको उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक दही का पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए दही इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, साइडों से इसके ऑयल आ गया है। अब ये ब्रेन मैंने इसको गर्म पानी से अच्छे से धो लिया था, अब मैं ये ब्रेन इसमें शामिल करूंगी। इसको मिक्स करेंगे। अब हमने ये जो लिया था काली मिर्च
और ये सूखी मेथी, ये इस वक्त इसमें ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे। अभी गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड नहीं किया, और इसको मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स हमने करना है। ये देखिए ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी का डालूंगी, और अब मैं इसको ढक दूंगी तकरीबन 10 मिनट तक, और 10 मिनट में हमारा ब्रेन जो है वो बिल्कुल कुक हो चुका होगा। फिर हम इसमें गरम मसाला पाउडर और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब मैं इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट पकाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, वाह कितनी अच्छी खुशबू आई है इसमें से एकदम। ये देखें ये बिल्कुल हमारा जो है पानी खुश्क हो गया है, और ये देखें कितना अच्छा जो है वो ब्रेन मसाला तैयार हुआ है। ये देखें अब मैं एंड में इसमें ये जो गरम मसाला पाउडर था ये मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी। मिक्स करेंगे इसे, अच्छे से मिक्स करके अब मैं ये जो हमने हरा धनिया लिया था, हरा धनिया, ये हरी मिर्चें और ये अदरक साबुत, ये इसमें शामिल करूंगी। मिक्स करेंगे इसे, अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। स्टोव में बंद कर दूंगी और अब मैं आप इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने ब्रेन को डिश आउट कर लिया है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। तो जो लोग ब्रेन नहीं खाते अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो वो भी इसको ज़रूर खाएंगे। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।